नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस साल गेहूं की बंपर पैदावार हो रही है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ गई है। दुनिया में मांग बढ़ने से भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। इससे मंडियों में किसानों को MSP से ज्यादा कीमत पर गेहूं बिक रहा है। अच्छी कीमत पर फसल बिकने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जान फूंकने का काम करेगी। किसानों के हाथ में पैसा आने से ग्रामीण क्षेत्र में मांग भी बढ़ेगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का काम करेगा। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये पिछले 5 वर्षों के 103.88 मिलियन टन का औसतन उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन से अधिक है। हालांकि जलवायु में हालिया बदलाव प्रमुख उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में पैदावार को प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर बहुत ही कम होगा। गेहूं की पैदावार पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। वहीं भोपाल की करोंद अनाज मंडी में गेहूं की कीमत इस समय 2200 रुपए प्रति क्विंटल से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं अच्छी क्वालिटी के गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं, मतलब सरकारी दर से 980 रुपए से ज्यादा ये बिक रहे हैं। वहीं भारत में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर ये 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। देश की दूसरी मंडियों में भी गेहूं की कीमत बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की खांडवा हरदा जैसी मंडियों में भी गेहूं की कीमत MSP से ऊपर चल रही है। वहीं कृषि निर्यात मामलों में जानकार का कहना है कि सरकार अगर निर्यात मामलों को लेकर सजग हो जाए तो ये किसान के साथ साथ निर्यातकों के लिए भी एक अच्छा समय है। वहीं ग्लोबल मार्केट में अप्रैल मई तक गेहूं की मांग बनी रहेगी। ऐसे में आने वाले 2-3 महीने भारत के निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार भारत से गेहूं का निर्यात 70 लाख टन के स्तर को पार कर सकता है। इस बार इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, हरिद्वार, छिंदवाड़ा, दातिया से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, UAE, वियतनाम जैसे देशों को बंपर निर्यात किया जा रहा है। वहीं भोपाल, गुना, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर और अन्य जिलों से मिश्र या फिलीपींस या जिम्बाब्वे और तंजानिया को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया भी संभावना है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।